में जो है पूरी सब्जियां ख़त्म हो गई है, लेने के लिए आए थे, रात के 9 बज रहे हैं। एंड साथ साथ में वहाँ साइड में चिकन फ्राई कुछ कर रहे हैं, तो आदित्य ने बोला खाना है खाना, तो थोड़ा सा चिकन फ्राई करा रहे हैं। बिला गुड मॉर्निंग। सो जैसे मैंने बोला था शादी यहाँ पे होने वाली है, वॉकिंग कर रहे थे सुबह सुबह, ये सब देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डेकोरेशन का पूरा सामान आ चुका है एंड यहाँ पे टेंट लगाया है, खाना वाना बनना शुरू हो रहा है। ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं सारी, हाँ, एंड लाइटिंग्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। देखो वहाँ पर जो ट्रक खड़ा है उसमें पूरा डेकोरेशन का आइटम है, एंड ये बड़ी बड़ी लाइटिंग्स लगा रखी है यहाँ पे भी, एंड इस साइड भी पूरी लाइटिंग लगाई हुई है, जलने के बाद दिखेगी, फिलहाल तो नहीं दिख रही है। सो वॉकिंग हो चुकी है ख़त्म, फुल पसीने में हो चुका है लथपथ। ये रही शादी जो हमारे पार्क में चल रही है। एक्चुअली आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग फंक्शन हॉल्स जो होते हैं वो बुक करते हैं, बट जो रौनक ऐसे ओपन में आती है वो आजकल के बंकेट हॉल में कहाँ आती है, बिकॉज़ छोटा सा हॉल रहता है, स्टेज बना देते हैं एंड इतना खुला खुला रहता नहीं है, कंजेस्टेड रहता है। अभी पार्क में इतनी जगह है कि सब लोग जो है आराम से घूम सकते हैं, सब लोग आराम से लाइक खाना खाने का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। ओनली ये जो स्पेसेस का एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर बरसात का मौसम है तब थोड़ा ये गीले होने का डर रहता है, अगर नहीं है तब तो अदरवाइज दीज आर द बेस्ट प्लेसेस। एंड डेकोरेशन वॉज वेरी वेरी गुड, ऑल दो हम लोग शादी में नहीं गए बट हम लोग इवनिंग में भी ऐसे इधर उधर वॉक करते रहते हैं, तो जस्ट वीडियो निकाला। हे एवरीवन, सो अभी जो अर्बन कंपनी वाले भैया हैं उनको मैंने बुलाया है, क्योंकि जो कपड़े टांगने वाला जो ऊपर रहता है ना रॉड्स, ये देखो वो रॉड्स, वो फिक्स कराने के लिए मैंने जो है अमेजोन से परचेज़ किया था ये, क्योंकि क्या बोलते हैं बारिश आती है या कुछ होता है तो एक सेकेंड तो कपड़े भीग जाते हैं, ऐसा कुछ होता रहता है। एंड ये जो है थोड़ा अनटाइडी से भी रहता है, ऊपर चले जाते हैं एंड आपका जो व्यू है बालकनी का वो पूरा ओपन रहता है। बत्ती जला दी। सो अभी दोपहर हो रही है, खाना वाना खा के बैठे हैं, अभी आए हुए हैं। तो मैंने 2 दिन पहले फ़िक्स किया था अर्बन कंपनी में, क्योंकि जो सीलिंग में कपड़े सुखाने वाली जो ये रॉड लगाने वाला होता है हर किसी को अच्छे से नहीं आता है करके। इन्हीं भैया से कुछ दिन पहले भी जब बुक किया था मैंने कारपेंटर को, तब भी यही भैया आए थे, क्योंकि जो हमारे मेस डोर्स है ना इसकी जाली कहीं कहीं जो है फट गई थी, तो नहीं जालियाँ लगवाई है तीनों दरवाजे में एक एक, क्योंकि बच्चों की जहाँ तक की हाइट है ना वो लोग पट्टी पे ना मारते हो ना जाली पे मार के खोलते हैं तो वो निकल जाती है, तो इससे पहले भी 2 बार चेंज करा चुके हैं, वही बाकी सब सही रहती है वही ख़राब होती है। सो वो चेंज कराई थी, यही वाले भैया आए थे एंड आज फिर से यही वाले भैया आए हैं। सो अभी लगा रहे हैं और मेरे कपड़े धुल चुके हैं एंड आई एम वेटिंग कि मुझे सुखाना है, तो जब नई रॉड्स लग जाएंगी तो मैं उन्हीं पर सुखाने का सोच रही हूँ। सो दैट्स इट। एंड ये एक स्टैंड आपको दिख रहा है, ये रहा,
ये वाला एक्चुअली ये मैंने लिया था वीडियोस में, जैसे जब मैं हॉल वीडियोस कुछ बनाती हूँ तो जो ड्रेसेस है या साड़ीज है उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं टाइप, लेकिन इसको मैं कपड़े सुखाने के पर्पज़ से ही यूज़ कर रही हूँ एवरी डे। तो सारे कपड़े जो है मैक्सिमम हैंगर्स में आ जाते हैं, और जब ज़्यादा कपड़े भी होते हैं तो थोड़े वायर पे सुखा देती हूँ एंड बाकी इस पे सुखा देती हूँ, और प्लेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता है, सो वो चीज़ है। तो इसको भी यूज़ करी थी, बट ये क्या है, इसको खिसकाना पड़ता रहता है इधर उधर, एंड थोड़ा सा जो है बालकनी हमारी जो है लंबी बहुत है लेकिन चौड़ी कम है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे चलने में थोड़ी सी मतलब बड़ा फंसा फंसा सा लगता है, इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। एंड ये जो है हमारा यहाँ जो एम्प्टी प्लेस है वहाँ पे रख दूँगी, कभी अगर और भी ज़्यादा कपड़े होते हैं तो डाल सकते हैं। ज़्यादा कपड़े जनरली कब होते हैं, बारिश का सीज़न हो गया तब क्या है कपड़े मतलब धोते नहीं क्योंकि सूखेंगे नहीं करके, फिर सूखते नहीं है तो फिर स्मेल आती है बोल के, तो इसलिए मैं उस पर्पज़ से तो ये वाला लगवा रही हूँ। तो मैंने ये जो पाइप्स ली है जो सीलिंग में लगने वाली है, 8 फीट की पाइप है और 6 पाइप्स है, लगने के बाद आपको दिखाई देगा। अभी भैया फ़िलहाल मार्किंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसे कर रहे हैं। కొలతలు స్ట్రేట్ అవి మంచిగా చూసి పెట్టండి, देखो अपने कपड़े का ये जो इंस्ट्रूमेंट है लग चुका है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अभी कपड़े सुखाने की बारी है, मुझे सुखाना भी है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। एंड अगर आपकी बालकनी छोटी है या आपको कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, आप ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बालकनी भी मैच फ्री रहेगी एंड देखने में भी अच्छा लगेगा, और ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं लगवा रही थी, मुझे लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने लगवा लिया। मैं सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं, सो आपके भी काम आ जाएगा। और अभी मैं कपड़े सुखा देती हूँ। एंड यहाँ पे देखो ये खींचने के लिए दिया हुआ है, सो एक को ऐसे निकालेंगे तो ये इस तरह से नीचे आ गया, अभी मेरे सामने आ चुका है ये। एंड अभी जो है कपड़े सुखा लेने हैं। अभी मैं पहली बार सुखा रही हूँ इसके ऊपर, तो एक रॉड के ऊपर 8 फीट की रॉड है, तो इसमें आए हैं 4 कपड़े। एंड अभी इसको ऐसे खींच के यहाँ लगा देना है, दूसरी वाली इसको निकाल लेना है। सो कपड़े मैं सुखा चुकी हूँ, यहाँ से देखो कैसा दिख रहा है, कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना, एकदम ऊपर चले गए हैं कपड़े, पसीना पसीना हो गया क्योंकि पहले कौन सी वायर खींचनी है उसका पता नहीं लग रहा था, तो मैंने सारी एक साथ खींची तो थोड़ा ज़रा सा टाइम लगा, तो इस तरह से। एंड कितना नीट एंड टाइडी है, और आप कैसे भी लंबे चौड़े कपड़े सुखा लो आपके सर पे नहीं लगने वाले हैं, एंड आपकी बालकनी का जो व्यू है वो भी ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि नाइस ये चीज़ है कि बारिश में भी या कुछ भी हो रहा है तो आपको भाग भाग के आके कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे वो सीलिंग पे है, गीले भी नहीं होंगे जल्दी। एंड दूसरी चीज़ कि सीलिंग जो रहती है वहाँ पे हीट ज़्यादा आती है, तो कपड़े जो है अच्छे से जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जैसे वायर पे ये है यहाँ पे जल्दी सूखते नहीं है, क्लाइमेट भी अगर चेंज होता रहता है या अगर बरसात का मौसम है तो आपको कपड़े में भी वो थोड़ी थोड़ी सी नमी लगती है, लेकिन सीलिंग में जो है ज़्यादातर हीट आती रहती है इसीलिए वहाँ पे जल्दी भी सूख जाते हैं कपड़े। तो मैं काफ़ी टाइम से लगवाने का सोच रही थी बट लगवाया नहीं, चलो ये चल रहा है ना यहाँ पे जो वायर्स लगाई चल रहा है करके, बट नहीं चल रहा था तो मुझे फाइनली लगा कि ले लेना चाहिए। तो मैंने ये जो अमेज़ॉन से परचेस किया है, तो मैं इसका लिंक भी आपको नीचे दे दूँगी, अगर आपकी बालकनी मान लो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, अगर साइज़ में थोड़ी सी छोटी है तो आप 6 फीट के जो पाइप्स है वो भी ले सकते हो, कम के भी है वैसे आप 2 लगवा सकते हो एंड पूरी जगह को
नीटली यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है किसी वीडियो की या किसी चीज़ के रिव्यू की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब मैं ऐसी चीज़ें पोस्ट करती हूँ मुझे लगता है कि कुछ उसके जो डूस एंड डोंट्स है पक्का बताने चाहिए लोगों को। एंड जो भैया आए थे ना 3 बजे आए थे, 5 बजे तक उन्होंने लगाया क्योंकि नापतोल में पहले दूसरी जगह पर होल कर दिया था, फिर दोबारा दूर पड़ रहा था करके फिर सही से किया। सो 2 घंटे इंस्टॉलेशन में भी लगे हैं। एंड आप किसी को भी बुलाओगे तो हर किसी को आता नहीं है इंस्टॉल करना, तो थोड़े प्रोफेशनल्स को ही बुलाना बेटर है। चलो बाय बाय, मुँह हाथ धोना है ज़रा।